They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, guys. I am Rajneesh, and I welcome you all to my YouTube channel. Alright guys, so now we are here. You know, I don't know the exact name of the place, but shayad Brahminala hai, something naam hai jagah ka. So ye dekhiye yahan se view. Oh, awesome. So aaj hum aaye hain yahan pe, you know, wedding shoot ke liye hi again. So ye dekhiye nazara, dekhiye raat ke guys. So ek waqt to main bhi ja raha hu, par wo rahi upar shaadi ki location. And so dikhaunga aap sabhi ko. You know, पहले मैंने आपको लाहौली मैरिज दिखाया, तो अब दिखाऊंगा लोकल मैरिज के कुछ बहुत थोड़ी बहुत यू नो हाइलाइट्स. आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे, एंड सपोर्ट कीजिए मुझे. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड गाइस, चलो चलता हूँ लोकेशन में, एंड मिलता हूँ आप सभी को लोकेशन में. सो ये है सेब के पेड़, एंड नज़ारे देखिए गाइस, ऑसम राइट. सो चलो मिलता हूँ आप सभी को आगे ब्लॉग में जब शूट करेंगे. तब तक के लिए एंजॉय. ऑलराइट गाइस, तो अभी हो रही है यहाँ पे मेहंदी. जबरदस्त भाई, देखते हो, देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ. ब्लॉग बना रही हूँ. यस, रविंदर भाई इज हियर. नहीं, मैं तो यहाँ लोगों के बीच में जी जैसा ही लगेगा. तो यहाँ पे भजन गाया जा रहा है. यहाँ पे ब्राइड को मेहंदी लगाई जा रही है, और यहाँ हम लाइट नहीं है तो ऐसे बैठे हुए हैं इस वक्त. अब लाइट का वेट कर रहे हैं हमारे वेटिंग फॉर लाइट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वेटिंग फॉर पीस आउट. ऑलराइट गाइस, रात के बज चुके हैं 11, एंड अभी हम मेहंदी शूट में हैं. अभी मेहंदी लगी नहीं है ब्राइड की, तो लगने जब लगे फ्री हो जाएंगे मेहंदी लगा के, तो उसको शूट करेंगे, एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे घर को, या फिर स्टे करना पड़ेगा आज, देखते हैं क्या बनता है. ऐसे लोग तो जा रहे हैं सारे के सारे, हम नहीं जा रहे अभी. अभी देखिए थोड़ा रह चुका है, एंड बाकी लोग जा रहे हैं, थोड़े बहुत मेहंदी लगा रहे हैं फिलहाल. अभी ब्यास नदी उफानों पे सारे लोग भागे. तो देखिए गाइस, खतरनाक ही ब्यास नदी अभी उफान पे है. सो गाइस देखिए, ब्यास नदी अपने उफानों पर, और अभी हम जा रहे हैं लोकेशन में, एंड हमारे पास इंजर्ड बंदा आ गया है. कैसे हुआ ये? बस की खिड़की बंद कर रहा था, गलती से हाथ ऐसे रह गया, खिड़की बंद कर दी. आप लोग ऐसी गलती ना करें, अच्छे से देख कर सोच समझ कर दरवाज़ा बंद. ये तो शुक्र करो कि ये मास्क फटा नहीं, मतलब कट कुट नहीं लगा, सिर्फ प्रेस हुआ है. और गंदा खून भी निकल गया. निकल गया, नहीं तो बहुत हैवी दिक्कत हो सकती थी यहाँ पे. चलो चलते हैं अब लोकेशन की तरफ. ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं लोकेशन में, एंड क्या हो गया था समूह थे भाई? तो फिलहाल अभी बैठे हैं, तो मामा कब आएंगे? 12-1 बजे तक आ जाएंगे मामा, फिर दिखाता हूँ मैं आगे का. क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था, तब मैं देखने में सुंदर था. अब मैं मोटा हो गया हूँ, अब पता नहीं मैं ज़्यादा सुंदर हो गया या फिर पता नहीं. लड़कियाँ कहती थी कुछ, तो कहती थी जो मुझे अभी याद नहीं है, जैसे याद आएगा मैं बता दूँगा. थैंक यू, जय हिंद.
ऑलराइट गाइस, सो अभी चलिए यहाँ पे धाम। एंड मैं और सुपिंदर भाई भी कर रहे हैं डिनर, पर इनके हाथ में लगी हुई है तो इनको उल्टे हाथ से करना पड़ेगा, इंजर्ड आदमी। हल्दी खत्म। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts.